सच, साहस, सरोकार। G20 समिट के दौरान हिमाचल की कला और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा, पीएम मोदी वैश्विक नेताओं को देंगे उपहार। देश के 50वें चीफ जस्टिस बने डीवाई चंद्रचूड़, पिता के 44 साल बाद बेटे को जिम्मेदारी। संबल में राजकीय महाविद्यालय बना अव्यवस्थाओं का केंद्र, महाविद्यालय में नहीं पानी पीने की व्यवस्था। रायबरेली के जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड फुल, मरीजों की संख्या 100 के पार। बुलंदशहर में विद्युत संविदा कर्मी की हुई मौत, इलाज के दौरान संविदा कर्मी की मौत। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ किए। उन्होंने जन्मभूमि स्थित भगवान भागवत भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना की, साथ ही श्री राधा कृष्ण की आरती उतारी। इसके बाद सीएम योगी भक्ति वेदांता गुरुकुल स्कूल इस्कॉन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया। इसके अलावा वेटनरी विश्वविद्यालय पहुंचे, सीएम योगी ने आम का पौधा लगाया। इस दौरान आगरा मंडल जनपद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रायबरेली में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। अब तक पूरे शहर में मरीजों की संख्या 107 के पार हो गई है और मरीजों के बढ़ते ही जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं और शहर की साफ सफाई भी बदहाल दिख रही है। ना ही एंटी लार्वा और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम उठाया जा रहा है, जिससे जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जमीन विवाद के चलते दबंगों ने न्यायाधीश और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। साथ ही दबंगों ने जज के आवास से लाइसेंसी पिस्टल, राइफल और सरिया सीमेंट तक भी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने 4 नामजद और कई लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायाधीश के थाने में तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। जो स्वयं को जनपद मुरादाबाद के न्यायिक सेवा अधिकारी बताते हैं के द्वारा चोरी, बलवा, डकैती, लूट आदि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में जांच से प्रकरण मूल रूप से भूमि विवाद का होना ज्ञात हुआ है। ग्राम सरोसा भरोसा थाना पारा के श्रीमती नीलम वर्मा के प्लाट की बाउंड्री वाल को श्री शोभनाथ सिंह द्वारा अपना बताते हुए बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया था। इस संबंध में थाना पारा द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध 107-16 CRPC की कार्रवाई करते हुए भूमि स्वामित्व निर्धारण हेतु धारा 145 CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की गई। इसी वाद में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मलिहाबाद के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दिया गया और दोनों पक्षों को मना कर दिया गया। ये आदेश शोभनाथ सिंह को अवगत भी कराया गया। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी गिरफ्तारी के लिए देर रात कई थानों की पुलिस ने विधायक आवास में छापेमारी की। वहीं विधायक के परिवार की महिलाओं ने पुलिस का वीडियो भी बनाया। बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर सपा विधायक और उसके भाई रिजवान सोलंकी घंटों फरार रहे और पुलिस घर को घेर रखी थी। जानकारी के मुताबिक एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में सपा विधायक के भाई के खिलाफ जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामले को लेकर विधायक के भाई की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने छापेमारी की है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने पर जाजमऊ थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है।
देखिए जाजमऊ थाने पर एक पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई है कि उसके घर में उसके पड़ोसी जो इरफान सोलंकी हैं और रिजवान, इनके द्वारा उनके कुछ साथियों के द्वारा आगजनी की गई है। इस तहरीर के आधार पर जांच कराई गई और जब तथ्य पाए गए तो उस आधार पर थाना जाजमऊ पर कल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना के दौरान पाए गए तथ्यों के आधार पर जो आरोपी हैं उनको उनकी तलाश के लिए पुलिस गई हुई। रामनगर के वासियों, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ, मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी, और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला, कल की भी बात है जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहां भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूं। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा। घर में आग लगी, कई बार ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कहते हैं भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा तरीका है, रिजवान चल रहे न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये कौन है रिजवान सोलंकी? कौन है इरफान सोलंकी के विधायक के भाई है, हाजी मुश्ताक सोलंकी की औलाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेबी नाज है। ये मेरे प्लाट पे पीछे पड़े हुए आज से नहीं भाई, 86 हम लोग यहाँ रहते हैं, जब से लगातार पीछे पड़े हैं इन लोग। मेरा मुकदमा स्टैंड है, इनसे क्या लेना देना? पुलिस से भी आपको प्रताड़ित किया जाता है क्या? अरे भाई, अगर पुलिस वाले सच्चाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, सपा विधायक के भाई की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का मामला है और इरफान सोलंकी के भाई जो विधायक हैं सपा से, उसका भाई है सोलंकी है, जिससे जिसने भी 2 दिन पूर्व ही एक झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें महिला ने मुख्य आरोपी इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी को बनाया है। हालांकि पुलिस ने इस पर थोड़ी कार्रवाई जब बरती गई थाना प्रभारी एसओ जाजमऊ के द्वारा, तो उसमें पुलिस ने कहीं ना कहीं इस एसओ को भी सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही पुलिस ने कुछ टीमें गठित करके कल रात को ही इरफान सोलंकी के घर पे छापेमारी की थी, जिसमें हालांकि ना तो इरफान सोलंकी मिले ना उसका भाई मिला। उसके जो उनकी बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में उसने इन सब चीजों को बताया है कि पुलिस रात को 3 बजे हमारे घर पे छापेमारी कर रही है। और एक बड़ा आरोप इरफान सोलंकी ने भी पुलिस पे लगाया है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर उतारने को लेकर अमित गोस्वामी जिहादियों के निशाने पर आ गए और उन्हें पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी भी मिली, जिसके बाद छात्र नेता अमित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। छात्र नेता अमित गोस्वामी का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही छात्र नेता ने कहा कि पिछले दिनों मुझे अनजान नंबर से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी कॉल डिटेल में वह नंबर पाकिस्तान का निकला था। स्वामी द्वारा थाना गांधी पार्क पर फोन पर धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने के ऊपर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई है और इस पर कार्रवाई प्रचलित है। जिस व्यक्ति के द्वारा ये साजिश की जा रही है, मेरी हत्या की प्लानिंग जो बनाई जा रही है, निश्चित रूप से इस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होकर के इस व्यक्ति का पर्दाफाश किया जाए। डर है तुम्हें अपनी जान का? निश्चित रूप से मुझे अपनी जान का डर है, मैं बहुत सहमा हुआ हूँ। किसी भी स्थान पर कभी भी किसी समय ऐसे व्यक्ति, जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति मेरी हत्या कर सकते हैं, इसका पहले से मैंने सूचना अलीगढ़ जनपद के तमाम पुलिस अधिकारियों को दे दी है। क्या कोई सुरक्षा की मांग की है? नहीं, मैंने कोई सुरक्षा की मांग नहीं की, मैंने केवल एक ही मांग की है कि जिस जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसे व्यक्तियों पर ठोस कार्रवाई करके ऐसे व्यक्तियों को एक मैसेज दिया जाए कि किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक देश में यदि किसी की हत्या करने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी तो उसका परिणाम बहुत गंभीर। हरदोई में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक सड़क बनाने के नाम पर नगर प्रशासन को शासन से कई करोड़ रुपए भेजे गए, लेकिन
सड़कें कहीं पर नहीं बनी। आए दिन बारिश से सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने खुद ही सड़क बना डाली। प्राइम टीवी की खास बातचीत में पता चला कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 आलू थोक उत्तरी में स्थानीय निवासियों ने चंदा लगाकर 54,000 रुपए खर्च किए और 50 मीटर की रोड पर इंटरलॉकिंग और नाली की मरम्मत का कार्य खुद ही करा डाला, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। 10 साल से जर्जर पड़ी हुई थी, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, हम लोगों के यहाँ पे निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग बच्चे लेके स्कूल के निकलते हैं, यहाँ बरसात का पानी भर जाता है। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत पानी भरा रहता है, हम लोग यहाँ निकलने में बहुत प्रॉब्लम है। बाइक लेके निकलते हैं तो बाइक स्लिप हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक दादाजी गिर गए थे तो उसको बहुत चोट आई थी, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि इसको अपने पैसे इकट्ठा करके अपने आप बनवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार नगर पालिका में गए, वहाँ पे वार्ड मेंबर हमारे कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। साल से जो है कि खराब पड़ी थी। जब नगर पालिका पहले चुनाव हुआ था, माननीय हमारे सुख सागर मित्र जो चुनाव लड़े थे, सपा से चुनाव जीते थे, उनसे भी उम्मीद थी और उनसे भी कई बार कहा, हाँ हाँ कर दिया। उसके बाद में अब वार्ड मेंबर से कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ बजट ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। हम कहे जब नहीं सुनता है तो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, उसके बाद में जो कि अपने खर्चे से मिल करके इसको बनवा दे, जहाँ कोई सुनवाई नहीं हो। इस सरकार में सुनवाई नहीं होती है। जनप्रतिनिधि नहीं आया है, ये सिर्फ यहाँ के बासिंदे जो रह रहे हैं, जिनको मुसीबत थी, वो अपने फंड से जो है इस निर्माण कार्य को करा रहे हैं। लगभग कितना क्या खर्च आ गया और क्या? लगभग यही है, 50-55 हज़ार के आसपास जो है बजट अभी तक खर्च हो चुका। अब आगे क्या और खर्च होगा वो भी। कितने समय से रोड जर्जर पड़ी थी? लगभग ये 8-10 साल से रोड जर्जर पड़ी हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष राज हमसे जुड़ेंगे। हर्ष राज, शासन की तरफ से नगर प्रशासन को करोड़ों रुपए भेजे गए, फिर भी सड़क नहीं बनाई गई, किसकी लापरवाही सामने आई है? आपको बताते चलें कि विकास के नाम पे करोड़ों रुपए यहाँ पे नगर पालिका को आया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं। अनुमान के मुताबिक दिसंबर माह तक अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी है, जिसको लेकर तमाम सियासी दल अपने अपने बिसाते सजाने में जुट गए हैं। हरदोई में नगर निकाय के हरदोई नगर निकाय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए भेजा था, लेकिन आलम यह है कि शहर का साथ कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहाँ की सड़कें चलने लायक हों। यहाँ नालियां दुरुस्त नहीं है, बरसात में घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ के निवासियों ने अब सरकार और नगर पालिका से उम्मीद की डोर तोड़कर खुद से मोहल्ले का विकास करने की ठानी है। आपको बताते चले यहाँ पे जो आलू थोक उत्तरी है हरदोई जिले में, ये नगर पालिका वार्ड में नंबर 1 है, जहाँ स्थानीय निवासी ने चंदा लगाकर यहाँ लगभग तकरीबन बताया जा रहा है जो मोहल्लेवासी हैं 54,000 रुपए पास से चंदा लगाकर इंटरलॉकिंग अपने पास से लगवा रहे हैं, नाली मरम्मत करा रहे हैं। यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं सुखसागर मिश्र, उन्होंने विकास के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं किया है। यहाँ के जो सभासद हैं नाहर, इन्होंने भी कुछ नहीं किया है। आज जो चुनाव नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस वजह से ये लोग अब दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ इन्होंने करोड़ों को घोटाला किया है। यहाँ के जो मोहल्लेवासी हैं, इनसे जब बात की गई तो इन्होंने बताया कि घुटनों तक पानी भर जाता है, हम लोगों ने चंदा लगाकर अपने पास से ये इंटरलॉकिंग का काम करा रहे हैं। जी हर्ष राज, अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि मोहल्ले वालों ने नगर पालिका अध्यक्ष, यहाँ के ईओ और डीएम से भी मुलाकात करके कहा था कि यहाँ की रोड बनवा दीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही अभी कोई वो हुआ है। तो मोहल्ले वासियों ने अपने आप मिलके चंदा जमा करके अपनी रोड खुद ही बनवा रहे हैं। जी धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। संभल में राजकीय महाविद्यालय गुन्नौर में पानी पीने की व्यवस्था ना होने और महाविद्यालय के आसपास झाड़ियों के लगे होने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की शिकायत कई बार कॉलेज प्रशासन से की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से उन्हें जल्द ही साफ सफाई करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं कुछ दिन पहले 2 राष्ट्रीय पक्षी मोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जो मामला अभी भी संदिग्ध बना हुआ है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि मोरू की मौत कैसे हुई। अच्छा, चौकीदार हैं, शाबाश। अच्छा, मैं कह रहा हूं ये सरकारी नल जो बंद पड़ा है, ये कब से बंद पड़ा है? ये बात तो सही है, बाहर गर्मी के बाद हुआ है। अच्छा, कितने नल हैं सर इस कॉलेज में?
तीन बाहर है और तीन अंदर है। अच्छा, तो ये बाहर वाले लोगों की क्या स्थिति है? खराब है, मतलब कितने दिनों से खराब है? दो तीन महीने हो। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र में गौकशी करने वाले शातिर गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि विगत 5 नवंबर को बिछुआ क्षेत्र में गौवंश के काट कर फेंके गए अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी कमलेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पिछवा में दिनांक 5/11 को एक गोकशी की घटना हुई थी। पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। इस संबंध में इस ग्रुप के कुल 10 लोग प्रकाश में आए जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। कल इसमें इस्तियाक नाम का अपराधी जिसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। आज उस गैंग के 6 अन्य लोग सलीम, आमिर, कमलेश, नंद किशोर, सुरजीत और आमिर की गिरफ्तारी हुई। बुलंदशहर में सिकंदराबाद के विलसूरी गांव में विद्युत संविदा कर्मी की मौत हो गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव कर दिया। जानकारी के मुताबिक संविदा कर्मी करंट की चपेट में आने से झुलस गया था और संविदा कर्मी पप्पू की ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर शटडाउन लेने के बाद भी लाइन में करंट छोड़ने का आरोप लगाया है और लापरवाह विद्युत अधिकारियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कासगंज में पीर छल्ला थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक कासगंज व अन्य उच्च जिला अधिकारियों की तरफ से भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। थाना कासगंज बड्डू नगर मीट मार्केट के यहाँ दो व्यक्ति, एक तौहीद और दूसरा नाम है अजीम, इनके बीच में आपस में कहा सुनी हुई किसी एक बात पर। और तौहीद ने ये बताया जा रहा है कि तौहीद ने तुरंत मतलब एक अवैध कटाया था, जैसे तुरंत अजीम के ऊपर गोली चलाया। अजीम को तुरंत चिकित्सक परीक्षण के लिए भेजा गया, उनको अलीगढ़ रेफर किया गया। बाकी हम टीम गठित कर दिए, तुरंत तौहीद के लिए टीम गठित किया है और बाकी स्थिति सामान्य है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच